आज मोहल्ला माथवरगंज की निवासी महिलाओं ने बताया कि मोहल्ले में शक्ति माता का स्थान लाल डिग्री बाद के पास स्थित है। यहां से एक नाला भी निकलता है जिसमें जिला महिला अस्पताल के अलावा आधे शहर का पानी बहकर बाद के पार जाता है। कुछ लोगों द्वारा नाले को अवरुद्ध हुआ शक्ति माता के धाम को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। नाले पर से अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई और शक्ति माता के धाम के पास से बहने वाले नाले के अवरोध को हटवाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार, मिला उचित कार्रवाई का आश्वासन। क्या नाम है आपका? सरोज जी, आज आप जिलाधिकारी महोदय किस लिए आए हैं? हम आए हैं कि जो पानी पहले बहता था अब नाली तोड़ दिए हैं, नाली बंद कर दिए हैं, लोग मकान बना रहे हैं, लोग शक्ति माई का थान है शक्ति माई को तोड़ रहे हैं, लोग चौतरा भी पूरा तोड़ दिए हैं, लोग हम लोग को घर में पानी जा रहा है, हम लोग का खेत पहले था सब खेत पानी हो गया है, नाली हम लोग को चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को नाली। आपके मोहल्ले सभासद कौन है? आए रईस बाबू हैं। क्या कर दे, उनसे नहीं शिकायत मिली आपको? क्या आते हैं तो भाई रईस तो दौड़ते हैं, बहुत मेहनत बेचारा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लड़की महतोरगंज, क्या मामला है भाई? हम लोग का खेत एकदम डूबा है, अब पानी जो घर बन रहा है वो पानी का निकास सही से कर नहीं रहे हैं और उसका नाला जो है चौड़ा करवाइए। हाँ, हम लोग का बस यही सावधान है। और क्या हो रहा है, और क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? दिक्कत वही आ रहा है जो हम लोग के घर डूबेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग के घर का एकदम गढ़े में सब खेत डूबल है एकदम से। क्या चाहती है आप लोग? वही चाहते हैं नाला का निकास सही से करवाइए, उसका चौड़ा करवाइए। 3 फुट का नाली दे रहे हैं लोग, नाली में पानी